प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक इजराइल दौरा आज शुरू होगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर लगी है। ये पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है। मोदी के इस दौरे से भारत की रक्षा नीति और डिफेंस सिस्टम को एक अहम मजबूती मिलेगी। वहीं कूटनीति के मामले में भी इस दौरे से कई उम्मीद लगाई जा सकती है। पीएम के इस दौरे से पहले ही इजराइल में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले इजराइल के एक स्थानीय अखबार ने लिखा था कि जागो, दुनिया के सबसे ताकतवर पीएम आ रहे हैं। पीएम मोदी ने इजराइल से अच्छे संबंध बनाने के लिए फिलिस्तीन से थोड़ी दूरी बनाई है। मोदी इस यात्रा से पहले और बाद में फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। यूं तो सभी की नज़र भारत और इजराइल के रक्षा सौदों पर है, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों देशों के बीच कई और तरह के समझौते होंगे। इसमें टी कृषि जैसे अहम समझौते हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश जल्द ही फ्री ट्रेड की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं इसके साथ ही भारत इजराइल का 10वां सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बनेगा। गंगा के एक हिस्से की सफाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल में समझौता हो सकता है। वहीं उच्च तकनीकी, जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सैन्य सहयोग, स्मार्ट सिटी, शोध से जुड़े समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है।